हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंजलि। और आज है दिवाली, तो फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को। और फ्रेंड्स छोटी दिवाली की भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो फ्रेंड्स आज हमने बनाई है गुजिया और मटरी, जिसको हमने बहुत मेहनत करके बनाया था। तो थोड़ा थोड़ा शेयर किया है क्योंकि दिवाली का सीज़न चल रहा है, मतलब दिवाली का त्यौहार है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही शूट कर पाए, सारा एक साथ शूट नहीं कर पाए थे। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आगे के सारे वीडियोस मैं अच्छे से बनाकर आपके लिए तैयार करके रखूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और फ्रेंड्स एक छोटी सी प्रॉब्लम और है कि मेरे जो वीडियोस थे, अभी दिवाली का सीज़न चल रहा है, बच्चे उधम मतलब अपनी मस्ती में हैं, तो हम अभी थोड़े दिन के लिए जो मिठाइयों का सारा बनाने वाले हैं, तो वो उसमें हम अपनी जजमेंट नहीं रखेंगे, छोटी जज को नहीं रखेंगे, क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त है। और क्या है कि बच्चों को ज़्यादा मिठाइयाँ भी पसंद नहीं है, तो इसलिए वो खाना भी पसंद नहीं करते। तो फ्रेंड्स इसलिए उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आगे के जितने भी वीडियोस होंगे उसमें हम वही अपना प्रोसेस रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले ली है सूजी जो कि 500 ग्राम है, जिसे हम फ्राई कर लेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है, जिसे हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। अब अच्छे से फ्राई करने के बाद फ्रेंड्स ये इस तरह का कलर आ गया है इसमें, और ये इस तरह के कलर से ही हमको पता चल सकता है कि हमारी सूजी भुन गई है। यहाँ पर मेरे पास फ्रेंड्स खोवा है, ये मैंने घर पर ही खोवा बनाया था, तो ये खोवा है, ये 3 किलो दूध का खोवा है। जिसे ये खोवा बनाना नहीं आता वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। तो ये मैंने खोवा बना के रख लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेंड्स अपनी सारी की सारी सूजी, जिसे हम अच्छे से फ्राई कर चुके हैं, तो हम सारी की सारी सूजी ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं जो खोए का वीडियो है वो मैं दोबारा से शूट करके दिखा सकती हूँ, पर बहुत सारा काम होता है दिवाली पे, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स करने से क्या होगा फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और गर्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मैदा ले ली है, उस जो बैटर था उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर ये मैंने थोड़ी मैदा लेकर दिखा दी है क्योंकि मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, पर मैंने 500 ग्राम मैदा ली थी, 400 ग्राम मैदा ली थी। इसमें मैंने दूध और ये है दही और थोड़ा सा घी डालकर अपना डो तैयार कर लिया था, इसमें मैंने घी डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ घी डालकर, कि घी डालना कितना, मतलब कितना डालना है। तो मैंने घी डाल दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा दही ले लिया था, तो दही मैंने ले लिया है ये 1 चम्मच। और यहाँ पर मैंने दूध भी ले लिया है, दूध मैं आपको थोड़ा सा ही डालकर दिखा रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। और यहाँ पर हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि डो की जो सॉफ्टनेस है वो कैसी है। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, ये मेरे पास 3-4 तरह के ड्राई फ्रूट्स थे। ये काजू है जिसे हम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे, ये मेरे पास पिस्ता थे, और ये मेरे पास बादाम थे जिसे चॉप कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हमारा मटेरियल था वो ठंडा हो चुका था, तो इसलिए हमने यहाँ पर चीनी और जो ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल दिए हैं और उन्हें हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है और ये चीनी है। बूरा फ्रेंड्स यहाँ पर मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए, और वैसे भी मैं कोरोना की वजह से ज़्यादा बाहर की चीज़ें प्रेफर नहीं करती, तो हमने बाहर की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है। चीनी को हमने पहले से ही पीस के रखा था, मैं नॉर्मली पीस के रखती हूँ, तो उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो भी गांठे वाँटे हैं। तो इसलिए हम अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें जो खोए की भी गांठे हैं उनको भी अच्छे से मिसल के अच्छा बैटर बना लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक छोटा सा बॉल लिया है, उसको मैंने अच्छे से बेल देंगे उसको धीरे धीरे करके,
और फ्रेंड्स बेलने का तरीका यही है कि आप उसका शेप का बिल्कुल भी ध्यान मत रखें, उसे सिर्फ पतला करते जाएं। यहाँ पर मैंने भी वही किया है, मैंने उसे धीरे धीरे इधर उधर से बेल के उसको पतला कर दिया है। और ये देखिए जो हमारी पूरी है वो तैयार हो गई है और मैंने इसको साइड में रख दिया है। तो अब वो पूरी तैयार हो गई थी तो मैंने उठा के उसको एक सांचे में के ऊपर रख दिया है। और हमारा जो मटेरियल है जो स्टफिंग का है उसको हम ले लेंगे। और यहाँ पर वो स्टफिंग छोटी सी इसलिए दिख रही है फ्रेंड्स क्योंकि ये बिना चीनी वाली है, तो हम पहले बिना चीनी वाली बना रहे थे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये जो मैदा को घोल के एक घोल बनाया था तो वो हम लगा रहे हैं गुजिया के ऊपर साइड साइड से ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे बंद करके अच्छे से प्रेस कर दिया है, उससे ये जो एक्स्ट्रा मैदा है वो भी हट जाएगी। और उसे खोल के हम दिखा सकते हैं कि वो कितनी अच्छे से पैक हो गई है और इसकी जो एजेस हैं वो अच्छे से पैक हो गए हैं, बिल्कुल भी खुल नहीं रहे हैं और डिज़ाइन भी अच्छी दिख रही है। तो यहाँ हमने थोड़ी सी पहले से ही गुजिया बना के तैयार करके रखी हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने अच्छे से गुजिया रख दी थी, जो बच्चे हमारे बहुत उधम मचा रहे थे। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स इंडक्शन जो है वो नया लिया था तो मैं वो भी ट्राई कर रही थी। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और मैं हीट को चेक कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया है और यहाँ पर मैंने उसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल भी गर्म हो गया है तो मैं ऑयल भी चेक कर रही हूँ। फ्रेंड्स 2 दिन का धनतेरस था, कोई किसी दिन मना रहा था कोई किसी दिन मना रहा था, तो मैं तो कंफ्यूज थी। तो मैंने तो आज ही धनतेरस बनाया और कल भी बनाया। तो यहाँ पर जो हमारी ऑयल है वो गर्म हो गया है, अब हम उसमें गुजिया डाल रहे हैं धीरे धीरे करके। उसमें अपनी जितनी सहूलियत के हिसाब से गुजिया डाल देंगे। मैं ज़्यादा इंडक्शन के कुकवेयर नहीं लेकर आई थी, इसलिए मैं पैन में ही उसको ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने इसलिए पैन लिया हुआ है, उसमें मैंने सारी गुजिया डाल दी हैं। अब हम उनको पलट लेंगे फ्रेंड्स धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा उसमें जो ऊपर से वो थोड़ी गहरी नहीं थी, गहरा नहीं था पैन, इसकी वजह से उसमें ऊपर से गुजिया मतलब सूखी थी, वो अंदर डीप फ्राई नहीं हो पा रही थी। तो मैंने ऊपर से तेल ऊपर डाल डाल के उनको अच्छे से कर लिया है और उनको अब हम पलट रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता से ध्यान से सॉरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो गुजिया हैं वो धीरे धीरे सिक रही हैं। हमको दोनों साइड से ही गुजिया सेकनी है, एक साइड से गुजिया नहीं सेकनी है। अब यहाँ पर ये गुजिया तैयार हो गई है तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल रहे हैं। तो ये एक प्लेट में निकाल के हम अलग से दोबारा गुजिया डाल रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी गुजिया भी डालकर फ्राई की कर कर दिखाई थी क्योंकि फ्रेंड्स जो इंडक्शन था उसकी हीट थोड़ी ज़्यादा थी तो हम उसको ज़्यादा अपने हैंडल नहीं कर पा रहे थे। यहाँ मैं अपनी नंदत से कह रही थी कि आप उस गुजिया को जल्दी से पलट लीजिए क्योंकि वो जल्दी ज़्यादा हो जाएगी फिर। तो उन्होंने जल्दी से गुजिया पलट के निकाल ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने उन गुजियाओं को निकाल लिया है धीरे धीरे करके और वो अब दिखा रहे हैं कि कितनी अच्छी और कितनी कलरफुल गुजिया दिख रही है, मतलब बहुत अच्छा कलर आया है गुजियाओं का। यहाँ पर मैंने एक और स्नैक बनाने की कोशिश की थी छोटी मोटी, जो ऑलमोस्ट हर बार दिवाली होली पे बनता ही है। यहाँ मैंने मैदा ले लिया है, उसमें फ्रेंड्स मोमन और नमक और मतलब अजवाइन डालकर मैंने उसका अच्छा सा डो बना लिया है। आगे मैं उसको दिखाऊंगी, उसमें मैंने अच्छा सा डो बना लिया है। यहाँ पर मैंने अच्छा सा डो बना लिया है, ये देख सकते हैं आप। उसमें मैंने अजवाइन और नमक एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था और मोमन भी। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बॉल ले ली है उसी डो में से और उसको हम धीरे धीरे करके बेलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ मैं बेलना स्टार्ट कर रही हूँ और बेलने के बाद मैं उसे अच्छे से मतलब एक लेबल में कर लूँगी ताकि वो अच्छा सा एक रोटी टाइप का बन जाए उसका। और उसको अच्छे से आप चाहे तो उसे बिल्कुल पतला कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से सहूलियत से मोटा भी रख सकते हैं।
तो मैंने तो मीडियम रखा है उसे, बहुत ज़्यादा ना पतला किया है ना मोटा किया है। यहाँ मैंने चाकू लेकर उसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल काट लिया है। आप जैसा शेप चाहते हैं आप वैसा शेप दे सकते हो, मुझे तो फ्रेंड्स ऐसा ही पसंद है, तो मैं तो ऐसा ही काट लिया था उसको। तो धीरे धीरे हम लोगों ने ये सब बना लिया था। फ्रेंड्स खाना भी एक साइड बनाना था क्योंकि दिवाली का टाइम है तो खाना भी ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा गैस ऐसा ही दिख रही है। तो हमने साफ़ नहीं किया जल्दी जल्दी, बहुत सारा काम था। तो अब हमारी ये मठरी भी तैयार हो गई है, हमने इसे अलग से एक प्लेट में निकाल लिया है और उसको एक साइड रख दिया है। वहाँ पैन हमारा पहले से ही गर्म था क्योंकि हमारी गुजिया उसमें सिकी हुई थी, तो हमने उसमें जल्दी से अपनी जो हमारी मठरी थी वो भी धीरे धीरे डाल दी। धीरे धीरे करके हमने उस मठरी को भी डाल दिया अच्छे से, और वो बहुत जल्दी भी हो गई, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। मुझे लगता है शायद इंडक्शन में खाना बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि हीट प्रॉपर मिलती रहती है उसको, और यहाँ पर हमें डालते डालते देर हो रही थी, तो वो बीच की जो मतलब मठरी जो थी वो पहले से ही सिक गई थी, तो मैंने उसको पलट दिया है और मेरी नंदन जी उसको डालती जा रही हैं पूरा ख़त्म करने वाली, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे ये सब काम करने में। तो हमने ये सब तैयार कर लिया था, अब यहाँ पर हम लोग उसको अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि मठरी जब तक फुल फ्राई नहीं हो जाती अच्छे से और पैक नहीं हो जाती तब तक बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए हम उन्हें अच्छे से होने देंगे, यानी पकने देंगे, यानी फ्राई होने देंगे। तो हम फ्राई होने देते हैं और तब तक हम अपनी बातें बनाते हैं। हम लोग भी बहुत देर से बातें बना रहे थे, इसलिए मैंने ये जो वीडियो बनाए हैं वो बिना वॉइस के बनाए थे, तो मुझे वीडियो भी ओवर वॉइस करना पड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो मठरी है वो बनने वाली थी, हमको ऐसा लगा कि जो हीट है वो प्रॉपर थी, इसलिए हमें दोबारा से इंडक्शन बंद करना पड़ा था। तो हमने बंद करके दोबारा से चालू किया, तो ये हम वही प्रोसेस कर रहे हैं क्योंकि हमें लगा शायद हमारी जो मठरी हैं वो उसी हीट में बन जाएंगी, लेकिन वो नहीं हो पाई, तो हमको दोबारा से इंडक्शन यूज़ करना पड़ा। तो यहाँ पर हमारी मठरी आधी ऑलमोस्ट हो गई है। अब देखिए यहाँ पर हमारी मठरी बिल्कुल भी बनकर तैयार हो गई है, और अब हमने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है धीरे धीरे करके, और हमने अपना इंडक्शन भी बंद कर दिया था, बहुत देर से चल भी रहा था और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इसको चला के और बहुत सारा काम करके। तो हमने इंडक्शन भी बंद कर दिया और सारी की सारी मठरी अच्छे से निकाल के अपनी प्लेट में रख ली, और बच्चे हमें बीच बीच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे क्योंकि उनको भी कुछ नया नया सा दिख रहा था, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे बच्चों की वजह से भी। तो ये देखिए हमारी जो मठरी है वो पूरी तरह से तैयार हो गई है, और उनका कलर कितना अच्छा है, एक मैंने यहाँ पर तोड़ के भी दिखाई है। तो ये बहुत गर्म थी इसलिए मैंने दोबारा रख दी, यहाँ पर मैंने तोड़ के दिखा दी, बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनी है। आवाज़ नहीं आएगी इसलिए मैं आपको आवाज़ नहीं सुना सकती। तो यहाँ पर हमारी गुजिया भी तैयार हो गई, यहाँ ये कम गुजिया दिख रही है क्योंकि ये बिना चीनी वाली गुजिया थी, मतलब कम मीठे वाली गुजिया थी, और ये जो है वो मीठी गुजिया थी, तो जो प्रॉपर दिख रही है आपको। अब मैं अपनी नंदन से कह रही हूँ कि इन्हें तोड़ के भी दिखा दीजिए, तो वो तोड़ के भी दिखा रही हैं कि बहुत अच्छी और टेस्टी गुजिया बनी थी, ज़्यादा मैदा भी नहीं दिख रही है ऊपर से। तो ये देखिए कितना अच्छी गुजिया बनी है, बहुत अच्छा बैटर है।